आगामी त्योहारों को लेकर तहसील परिसर में बने कॉन्फ्रेंस हॉल में आज शनिवार शाम को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में SDM DC शुक्ला, SDOP GT शर्मा, थाना प्रभारी शैलेश चौहान ने नागरिकों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद और परशुराम जयंती का त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान शांति समिति की बैठक में उपस्थित संभ्रांत नागरिकों, व्यापारियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी त्योहारों को लेकर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद अधिकारियों ने सभी से सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि आगामी जो दोनों त्योहार आ रहे हैं उनको लेकर पुलिस और प्रशासन दोनों के द्वारा बेहतर व्यवस्था ही की जाएगी। इसके साथ ही सभी से अपील करते हुए कहा कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी आपसी भाईचारे और मिलजुल कर पर्व को मनाएं। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो गणमान्य नागरिकों के द्वारा सुझाव आए हैं उस दिशा में साफ सफाई व जल प्रदाय व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से पूर्ण कराए जाने, आने वाले त्योहारों में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और ये व्यवस्थाएं समय सीमा में कराना सुनिश्चित करे। नगर में पुलिस गश्त, CCTV कैमरे, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई आदि के सुझाव पर उन्होंने लोगों को हर संभव व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर शहर काजी मंजरे आलम, सुरेश बंधु, इकबाल खान, दिलीप यादव, असलम खान, रहीश खान, हिमायू खान, मलखान यादव, शैलू खान, महेंद्र बघेल, अशोक दुबे, नरेंद्र तिवारी, हृदेश पाठक, संजय बिलैया, ब्रजेश पाठक, दुर्ग सिंह लोधी, हेमंत शर्मा, संजीव जोशी, रविंद्र नरवरिया, KP यादव, जितेंद्र सिंह बैस सहित नागरिक मौजूद रहे। करेरा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। ये निर्भर करता है कि तारीख क्या पड़ती है। परशुराम जयंती की तारीख 3 है और उसमें भी जुलूस की एक वो आया है कि जुलूस निकालेंगे वो लोग। वैसे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि परशुराम जयंती एक समाज से संबंधित है, क्योंकि फिर भी देखते हैं क्या उसमें भव्यता आती है और उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि अगर ईद 3 को पड़ती है तो अपन कैसे करेंगे व्यवस्था उसकी, तो क्योंकि दोनों 3 तारीख है। वैसे ईद की संभावना ज़्यादा कब की है सब लोगों के आज नई दुनिया में भी तो हमारे TI साहब की कुछ अपेक्षाएँ होंगी, वो आप बात कर लें और आप लोगों की जो बात है वो आप रख सकते हैं तो अपन लोग उस पर काम करेंगे। निवेदन था ऐसी नहीं कि जगह चिन्हित कर रहे हैं, शिफ्ट करवा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसमें टाइम लगता है लेकिन जो होता है नज़र में आज